दो दिन के बाद में अगर यहाँ अगर यहाँ रिपोर्ट नहीं आई तो यही सारे लोग इससे बड़ी संख्या में इस थाने का घेराव करेंगे और आग लगा के गुंडे लोग राम राम नमस्कार। जय राजस्थान, जय राजस्थानी। और मैं सुदेश राजस्थानी सुबह ले गए शाम तक लगातार इस जगह एक बार हंगामो शांत हुआ है, एक बार हंगामो वापिस हो जावे समझाइस का दौर चलता रहा। कई दौर की वार्ता है जो नौ सूत्री मांगा ने लेर चलती रही, कई बार विफल भी हुई, लेकिन अंततः शाम होते होते ई मांगा पर मंजूरी है जो हो चुकी है। मेरे कने केंद्रीय मंत्री कानून मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल का सुपुत्र रविशेखर जी है मेरे कने। तो आप मायने हा सर, पहले तो नमस्कार, बहुत बहुत आभार की पहली बार आप मुलाकात हो रही है अपनी। बहुत बहुत धन्यवाद सुदेश जी, आपकी हमारी पहली मुलाकात है जी। और मैं अंदर था, हम लोगों ने एक बहुत ही स्ट्रांग डेलीगेशन के रूप में हम लोग गए थे। हमने पहले ही तय कर लिया था कि इन मांगों पर मानेंगे तो ही हम धरना हटाएंगे। चूंकि हम लोगों ने पूरी पुलिस को कह दिया पुलिसिंग हटानी है, कि जो यहाँ पुलिस कर्मचारी रहेगा वो जो भी अधिकारी यहाँ आएगा उनको न्याय, हमें न्याय मिलने की उम्मीद उनसे कम है, क्योंकि जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है वो वही कागज उनको देगा जो उनके लिए प्लस का होगा, पहली बात। दूसरा, जो अरविंद सिंह सीआई था पहले, जिसके कारण ये सारा दुर्घटना हुई है और उसमें वो इन्वॉल्वमेंट है, मैंने पुलिस आईजी साहब को ये कहा कि आईजी साहब आप किसी की कॉल डिटेल एक सेकंड में लोकेट कर लेते हो, तो आज क्या ऐसी वो कमी महसूस हो रही है कि आप कॉल डिटेल के आधार पर ये जांच नहीं कर पा रहे हो। ये कांस्टेबल साहब थे या नहीं थे उस देवेंद्र जी के साथ, जिन जो अभियुक्त है मैन उसके साथ, मैं मानता हूं कि आप दो मिनट में अपने कॉल डिटेल के आधार पर इनको गिरफ्तार कर सकते हो, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। हम लोगों को ठंडे छींटे दे रहे हो और बार बार ठंडे छींटे देकर आप चाहते हो कि ये धरना हट जाए, क्योंकि ये मेघवालों की लड़की थी, गरीब की लड़की थी, दलित की लड़की थी, और आप चाहते किसी भी एंगल से इसके साथ न्याय नहीं करना चाहते हो। पूरो थानो है जो बतायो जावे है कि पूरो थानो इम इन्वॉल्व है, यानी कि दो तो नामजद है, तो इन पर कई समझाइश बनी है कि पूरा थाने ने मतलब लाइन हाजिर कराया जाओगे या सस्पेंड करो जाओगे पूरा थाने ने? नहीं, हमने हमारी जो डिमांड थी वो थी पूरा थाना आप सस्पेंड करके लाइन हाजिर करे और अरविंद सिंह जो पूर्व सीआई था उसको सस्पेंड करे, उसके बाद इसकी जांच शुरू करी जाए, तब हम धरना हटाएंगे। लेकिन आईजी साहब ने, पुलिस ने इतना मुझे लगता है परिवार पर प्रेशर बनाया और परिवार कहीं ना कहीं परेशानी में है और हो सकता है उस कारण से उन्होंने सहमति दे दी है, और उस कारण से जो हम मांग रहे थे उन्होंने वो नहीं मांगी। हमने कहा पूरा थाना जो दो आदमी राउंड अप पे आपने ले रखे है वो आपके अंदर है, लेकिन जो मेन अभियुक्त है जिसको आज आप अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हो, नहीं तो आपने, मैंने कई बार ऐसा देखा आपने आनंद पाल जैसे को दो मिनट में पकड़ लिया, तो ये कौन सा बड़ा अपराधी है जिसको आप पकड़ नहीं पा रहे हो? लेकिन नहीं, पुलिस तो सोई हुई है, जागी नहीं रही है। ये इस प्रदेश में कानून का राज किसी जमाने में था, अब तो जंगल राज आ गया है। आए दिन ये भी बात आई थी सामने कि पुलिस के जो लड़की मृतक है उसके पिताजी को भी चार पांच दिन पहले ये अरविंद सिंह बुला के लाया था रात को। किस एक्ट में लाया? पुलिस दारू पिया हुआ था। अरे किसी को भी आप बोल देते हो दारू पिया हुआ था, आपने कोई मेडिकल कराया क्या उसका रात का? लेकिन ठीक है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई धनी दोरी नहीं है, बड़ा जंगल राज चल रहा है। एक तरफ तो पुलिस है जो नशे पर कार्रवाई कर रही है और बड़े क्षेत्र पर, बहुतायत क्षेत्र में खाजुवाड़ा है जो स्मैक दो अड्डो बन चुके हैं, एनडीपीएस की कार्रवाई करी जावे, लेकिन मुख्य जो आरोपी है वो भी कांस्टेबल गए सागे सरकारी गाड़ी के अंदर, एक फोटो वायरल हो रही है। तो आप मानो कि खाजुवाड़ो है जो मतलब आम लोगों के लिए खतरनाक है और जो अपराधी है मांगे लिए एक जबरदस्त अड्डो है, सेफ रहना हो। खाजुवाड़ा थाना अपराधियों का घर बन चुका है, यही सारे अपराध बैठकर होते हैं। किसको गांजा चाहिए, किसको चरस चाहिए, किसको अफीम चाहिए, किसी को स्मैक चाहिए, सारे यहीं से सप्लाई होते हैं। जिस आदमी का आप नाम ले रहे हो वो आदमी पुलिस की गाड़ी में बैठकर फोटो खींचा रहा है। हमने आईजी को कहा, एसपी को कहा कि किसी अभियुक्त जो पहले रह चुका है एनडीपीएक्स में और उसकी वो उस गाड़ी में बैठ के, पुलिस की गाड़ी में, आप तो पिस्टल दिखाते हुए कि फोटो को अगर हम किसी ने किस गलती भाई ने दिखा दी पुरानी हो पिस्टल और अगर वो भी दिखा दी उसको भी पकड़ के ले आते हो, तो जो सरकारी गाड़ी में बैठा है वो आदमी यार नंगा नाच कर रहा था इतने टाइम से, आपको पता ही नहीं चला? आईजी साहब ने ये कहा कि हमने अरविंद सिंह को तो शिकायत पे बेस पे दो दिन पहले हटाया, जबकि आपको पता है मैंने कहा शिकायत क्या शिकायत थी, उसने यहाँ अड्डा बना रखा था। अंतिम प्रश्न रवि जी, आपको एक स्टेटमेंट है थोड़ी देर पहला को कि अगर कार्रवाई सही ढंग नहीं हुई, अगर जांच में थोड़ी सी लापरवाही पाई गई तो थाने ने आग लगा देने वाली आप बात करी है थोड़ी ही देर पहला, तो मतलब अगलो स्टेप का ही मानू मैं
मेरा कहने का मतलब ये था कि हम इस पुलिस को बता देंगे, आग का मतलब ये नहीं है कि आग ही लगानी है, हम इतना बड़ा घेराव करेंगे कि इस थाने को जैसे गढ़साना में, रावला में या अन्य जो गुजर आंदोलन में हुए उस थाने को भी उखाड़ के फेंक देंगे। ये हमारा खाजवाला की जनता का जनमत है जी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो जो सहमति का 9 सूत्री मांग है जो रेड़ा है और अभी सहमति है जो बन चुकी है, फिलहाल आप भीड़ है जो आप भीड़ तय करेगी कि आने वाले समय के है, लेकिन फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए सहमति बन चुकी है और 9 सूत्री मांगा ने मान लियो गयो है। पूरा दिन आज इस जगह पीड़ित परिवार के साथ नेता भी है, आपा भी है और आप सब भी है पीड़ित परिवार के लिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।